हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप अभी मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरिफ डिजिटल ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया बाय M1 लेवेलियर माइक्रोफोन की। तो दोस्तों, ये है बोया का लेवेलियर माइक्रोफोन, जो कि दोस्तों इस डब्बे में है, जिसे हम यूज़ करते हैं बोथ DSLR एंड फ़ोन में। और दोस्तों, इसको हम लोग कैमकॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये माइक्रोफोन बहुत ही बढ़िया है और DSLR एंड फ़ोन के लिए भी बिल्कुल कॉम्पैटिबल है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो माइक्रोफोन है, इसे मैंने ख़रीदा है शार्प इमेजिंग डॉट कॉम नाम का एक वेबसाइट है, जहाँ से मैं ख़रीदा हूँ। और मुझे दोस्तों इसकी जो प्राइस पड़ी है वो लगभग 1,050 रुपया। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले बॉक्स में देख लेते हैं दोस्तों क्या है, क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसका जो फीचर्स में बताया है कि क्लिप ऑन माइक दिया हुआ है दोस्तों, जिस जो कि स्मार्टफोन में भी यूज़ होता है, DSLR में भी यूज़ हो पाएगा और कैमकॉर्डर में भी यूज़ हो पाएगा दोस्तों। और दोस्तों, कैमकॉर्डर के साथ साथ PC में भी यूज़ होगा। ये दोस्तों ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है, हाई क्वालिटी कंडेंसर है फॉर वीडियो यूज़ के लिए दोस्तों, ठीक है। लो हैंडलिंग नॉइज़ है और इंक्लूड करता है दोस्तों एक लैपल क्लिप, LR44 बैटरी, फोम विंडस्क्रीन, एक फोम भी है इसके अंदर में, और 1/4 एडाप्टर भी है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं इस तरफ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर तो दोस्तों केवल बाय M1 लिखा हुआ दोस्तों, ये लिखा हुआ लेवलियर माइक्रोफोन माइक्रो क्रेवेट। इस तरफ में ये लिखा हुआ दोस्तों सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग बाय M1 लेवलियर माइक्रोफोन माइक्रो बोया बोया कंपनी की तरफ से है। अगर दोस्तों आपको ये माइक अगर अच्छा लगे और आप अगर ख़रीदना चाहते हो, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वो साइट से ख़रीद सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको हम अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये पाउच है दोस्तों, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है दोस्तों, बोया लिखा हुआ है देखिए। और इसके अंदर में दोस्तों हम लोग का ये माइक है और दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं। ये सिलिका है दोस्तों, इससे यूज़ करने का चीज़ नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा बोया का M1 लेवलियर माइक। देखिए दोस्तों, ये इसका अडेप्टर है दोस्तों, और ये इस तरह का ये माइक है दोस्तों, देखिए, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों क्या क्या मिला है इसके अंदर में, बॉक्स के अंदर में। ये दोस्तों यूज़र गाइड बताया है बोया की तरफ से जो मिला है। इसको भी साइड में रख देते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या है। ये है दोस्तों वारंटी कार्ड, इसको भी साइड में रख देते हैं दोस्तों।
अभी दोस्तों देखिए ये पाउच है और ये पाउच में हम लोगों को कुछ इससे रिलेटेड मटेरियल मिला है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये है दोस्तों माइक में लगाने के लिए ये स्पॉन्ज दिया है दोस्तों, देखिए इस तरह का है ये स्पॉन्ज। और दोस्तों देखिए ये LR44 बैटरी है, इसको भी दोस्तों देखते हैं दोस्तों किस तरह का। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है LR44 सेल, ठीक है दोस्तों इसको भी साइड में। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए ये एक बड़ा सा जैक दिया है दोस्तों, जो कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे, DSLR में यूज़ होगा या तो फिर दोस्तों कैमकॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। या तो फिर दोस्तों हम लोग बड़ा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको एज ए बॉक्स में, बड़ा बॉक्स में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग का ये अडेप्टर है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बोया का ब्रांडिंग दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए यह है ये बटन दिया है दोस्तों, अगर हम ऊपर इसको कर देंगे तो ये कैमरा में यूज़ होने के लिए रेडी हो जाएगा, और अगर हम लोग जैसे कि अभी नीचे फ़िलहाल है तो मतलब ये ऑफ़ है दोस्तों, अभी कैमरा में काम नहीं करेगा, ये अभी स्मार्टफोन में काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये इसका वायर है, इसको खोल देते हैं दोस्तों। दोस्तों इसकी जो वायर है काफ़ी लंबी वायर है दोस्तों, ठीक है काफ़ी लंबी वायर है दोस्तों, और वायर की जो क्वालिटी है दोस्तों वो भी एक तरह से बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन क्वालिटी की है। और दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जो ये वायर की जो लंबाई है कम से कम 2 से 3 मीटर से तो दोस्तों ज़्यादा ही है, ये देखिए दोस्तों। और ये 3.5 mm जैक है दोस्तों, ठीक है इसको भी खोल के देख लेते हैं, इसमें भी बोया की ब्रांडिंग है ये स्ट्रैप में। ये देखें दोस्तों काफ़ी लंबी वायर है, ये दोस्तों लगभग 2 से 3 मीटर की है बिल्कुल। अभी देखिए दोस्तों ये जो स्पॉन्ज है इसे हम कहाँ लगाते हैं, इसे दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और दोस्तों ये एक छोटे से पाउच में ये इसका माइक्रोफोन का क्लिप दिया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये है क्लिप, इसको दोस्तों हम लोग को यहाँ से इसको लगाना पड़ेगा, चलिए इसको पहले लगा लेते हैं, ये दोस्तों यहाँ पे लगेगा। ये देखिए इस तरह से लगेगा, और ये वाला पार्ट जो है ये आपके शर्ट के कॉलर में इस तरह से लग जाएगा, फिट बैठ जाएगा। और दोस्तों ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को भी हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं, तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये फिट हो गया। अभी दोस्तों हम लोग इसमें बैटरी फिट कर लेते हैं, चलिए
देखिए दोस्तों, ये बैटरी फिट करने का कंपार्टमेंट है दोस्तों, तो चलिए इसमें हम लोग बैटरी डाल देते हैं। ओके दोस्तों, देखिए अब हम इसको में बैटरी डाल चुके हैं और इसको फिर से क्लोज कर देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये एकदम मस्त टाइप से क्लोज हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इससे हम आपको साउंड रिकॉर्ड करके सुनाएंगे दोस्तों। अब आप डिसाइड करिएगा कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ जो माइक से, उससे ज़्यादा बेहतर आवाज़ आ रही है, या फिर इसको लगा करके जब मैं स्टार्ट करूँगा बोलना, तब आप बताइएगा कि दोनों में से किससे बेटर साउंड आती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी जो आप सुन रहे हैं ये मेरा पुराना माइक्रोफोन से आवाज़ आ रहा है दोस्तों, और दोस्तों अब जो आप सुनेंगे वो इस माइक से, बोया यानी बोया M1 माइक से अभी जो आवाज़ आएगी। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो ये मेरे न्यू, जो मैंने अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग किया हूँ, बोया M1, ये माइक से आवाज़ आ रही है दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले जो आवाज़ आ रही थी वो मेरे पुराने माइक्रोफोन से आ रही थी। तो दोस्तों अब आपको इन दोनों आवाज़ में डिफरेंस पता करके बताना होगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके मेरे वीडियो में, कि कौन सा माइक से आपको बेटर आवाज़ आ रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो दोस्तों मुझे पता है कि ये बोया M1 जो माइक है इससे बेहतर आवाज़ आनी चाहिए। वैसे मैं आपका कमेंट सुनना चाहूँगा दोस्तों, जल्द से फटाफट इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और मुझे कमेंट करके बताइए। सो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के टेक वीडियो के लिए, और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।